हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जिद्दी हार्डी परमानेंट प्लांट, जो एक बार आने के बाद हमारे गार्डन में फिर कभी ख़त्म नहीं होंगे। चाहे हम इनसे कितना भी पीछा छुड़ाना चाहे, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले फ्रेंड्स। तो काफ़ी हार्डी प्लांट है। फैक्ट सारे ही प्लांट इतने ईजी टू ग्रो है कि बिगनर्स भी इससे गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाई गाइज, आज हम कुछ ऐसे प्लांट देखने वाले हैं जो काफ़ी ढीठ हैं, जैसा कि आपने टाइटल से देखा ही होगा। जिसको हम अगर कहें कि ये बेहया कहें, इन्हें ढीठ कहें, जिद्दी कहें, तो ये सारे शब्द इनके लिए सटीक है। फिर वो हमारे गार्डन से कभी नहीं जाते और हमेशा हमारे गार्डन में बने रहते हैं। और इनकी कटिंग तो लग ही जाती है, कभी कभी फेंक भी दे अगर ऊब जाने पर, इस प्लांट को ख़त्म चाहे कर दे तब भी ये प्लांट ख़त्म नहीं होने का नाम लेता है। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं। और अभी मैं वाटरिंग कर रही हूँ और ये वाटर स्प्रे मैंने न्यू परचेज किया हुआ है और बहुत ही कंफर्टेबल है और बहुत बढ़िया है। इसको पंप के थ्रू हम वाटरिंग कर रहे हैं। ये प्लांट बॉटल स्प्रे मॉल में भी मिल जाएगा, साथ ही ये मिल जाता है ऑनलाइन भी, तो गार्डनर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत बढ़िया है ये। गाइस, नंबर वन पे जो प्लांट है ये है क्रिपिंग इंच प्लांट। और इसकी पत्तियाँ जो होती हैं लुक वाइज बिल्कुल छोटी छोटी से होती है। और इनके जो बैक साइड है पर्पल कलर में, फ्रंट ग्रीन में होते हैं। और ये बहुत ही अच्छे वाइंस और क्लाइंबर टाइप होते हैं। जिस भी पॉट के शेप में डालो उसी की शेप ले लेते हैं। डिज़ाइनर पॉट में ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और देखिए, आजकल बहुत अच्छा सीजन है ये, स्प्रिंग टू टिल विंटर बहुत अच्छी ग्रो भी करते हैं और परमानेंट होते हैं ये। इनकी छोटी सी कटिंग भी अगर हम लगा दें टिप से लेकर, तो ये कटिंग लग जाएगी दोस्तों। बेहद ही हार्डी, ढीठ और ये प्लांट जो है जिद्दी होते हैं, जल्दी ख़त्म ही नहीं होते एक बार आने के बाद, क्योंकि बहुत कम केयर के साथ ये चलते हैं। या यूँ कहें तो विदाउट एनी केयर थोड़ी सी वाटरिंग हमें करते रहना है, वो भी डेली रूटीन पे जो होता है। और जैसा कि इसका स्वभाव है, आप देखिए एक छोटे से ही नारियल के खोल में भी कितना खूबसूरत लग रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत लुक वाइज है। और ये हेज को डिज़ाइन करने में बहुत वर्क करते हैं। बालकनी गार्डन में ये आप करीने से लगातार इस तरीके से लगा दें तो बहुत तेज़ी से फैलता है, क्यारी में फैलता है, डिज़ाइनर पॉट के लिए भी सुटेबल है। तो ये प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ काफ़ी जिद्दी और हार्डी प्लांट होते हैं। नेक्स्ट है ये बेबी सन रोज के प्लांट। और देखिए कितना अच्छा आजकल इसमें ग्रीनरी है, शाइनिंग के लिए काफ़ी पॉपुलर होते हैं। बहुत ही बढ़िया शाइनिंग होती है इसके लीव में और बहुत अच्छे लगते हैं। स्प्रिंग टू टिल विंटर इसमें भी ग्रो होते रहते हैं, न्यू ब्रांचेज, न्यू पत्तियाँ आती रहती है। और वैक्स कोटिंग लगता है ऐसा किया हुआ है इसके लीफ पे, बहुत ही शाइनिंग होती है। तो ये फ्लावरिंग भी करते हैं दोस्तों, इसमें छोटे छोटे से क्यूट से पिंक कलर के फ्लावर आते हैं, तो बेबी सनरोज कहते हैं। और ये पार्शियल शेड में ग्रो होते हैं। इसको भी हम किसी भी डिज़ाइनर पॉट में और शेप में डाल सकते हैं। और ये देखिए इसके फ्लावर मैं दिखाती हूँ, ये है इसका फ्लावर, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है इसका। और देखिए इस तरीके से ये इग्नोर किया हुआ है, ये पॉली बैग में ही करीब 6 महीने से पड़ा हुआ है, फिर भी ये इतना अच्छा ग्रो हो रहा है। और ये इसकी ग्रोथ में कोई भी कमी नहीं आई है, इनफैक्ट इसमें फ्लावर भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो ये प्लांट भी आप परचेज कर सकते हैं और बहुत ही सस्ते दामों पर, रिजनेबल प्राइस पर ये सब प्लांट मिल जाएंगे, नर्सरी में अवेलेबल होते हैं। या इनकी कटिंग भी लग जाती है, इसकी कटिंग भी हम चाहे तो यहाँ टॉप से कटिंग लेकर ग्रो कर सकते हैं। और ये भी वाइंस और क्लाइंबर टाइप होते हैं दोस्तों। ये एरोकेरिया के प्लांट है, क्रिसमस ट्री भी कमोनली इसे कहा जाता है। ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं, इंडोर रख सकते हैं, साथ ही इसे हम बालकनी में भी किसी कॉर्नर में रख सकते हैं। बहुत कम केयर के साथ ये चलते हैं और बहुत तेज़ धूप में ना रखें इसे, थोड़ा सा पार्शियल शेड प्रोवाइड करें, क्योंकि ये इंडोर भी बहुत अच्छे चलते हैं दोस्तों। और देखिए इस तरीके से ये 7-8 इंच के पॉट में चले रहेंगे, परमानेंट प्लांट होते हैं ये। नेक्स्ट ये कलरफुल लीफी प्लांट है, काफ़ी खूबसूरत है लुक वाइज ये। और आप देख सकते हैं कलर कंट्रास्ट इसका कितना बढ़िया है। सो ये है रेड वांडरिंग जियो, और ये भी वाइंस और क्लाइंबर होने के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत लुक में होता है। बहुत कम केयर के साथ चलता है ये प्लांट, ख़त्म नहीं होता एक बार आने के बाद, और टिप से लेकर इसकी कटिंग लगा सकते हैं। बिल्कुल शेड में रखने पर इस तरीके से लुक आता है, ज़्यादा बढ़िया से इनका लुक उभर जाता है और कलर कंट्रास्ट भी बहुत अच्छे से दिखता है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, दोनों अलग अलग हैं, थोड़ा वहाँ पे धूप ज़्यादा पड़ती है, वो फ्रंट एरिया है, और यहाँ पे शेड में ये अलग कलर में है। और इसके साथ ही ये देखिए ये टर्टल वाइन, ये भी काफ़ी जिद्दी प्लांट होते हैं,
हार्डी प्लांट होते हैं, ख़त्म ही नहीं होते एक बार आने के बाद। बस इनको हमें शेड में रखना है, यही केयर है इनकी। और बहुत ज़्यादा ना वाटर ना कंपोस्ट और ये प्लांट चल पड़ेंगे। थोड़ा सा लोकेशन हमें ध्यान रखना होता है। और इसके साथ ही है ये रेड वांडरिंग जीव की वेरिएटेड वेराइटी है, जिसे ट्राइडस कैंटिया भी कहा जाता है। अभी मैंने इसकी कटिंग लगा दी है। ये प्लांट भी बेहद ही हार्डी और जिद्दी प्लांट होते हैं, कटिंग से लग जाते हैं वाटर सॉइल दोनों में ही। ये पर्पल हार्ट प्लांट, ये भी काफ़ी हार्डी और जिद्दी प्लांट होते हैं। पर्पल कलर की इनकी पत्तियाँ होती है और वाइन्स और क्लाइंबर ही होते हैं। ये भी बहुत ही सुंदर लुक होता है और फ्लावर भी इसमें आते हैं। इसकी कटिंग भी लग जाती है। जिद्दी और हार्डी प्लांट में तो ये भी प्लांट होते हैं। ये है क्रॉप स्टोन, बहुत सुंदर लगता है ये भी लुक वाइज। और सालों साल ये प्लांट बने होते हैं और इनकी कटिंग भी ग्रो हो जाती है। ये देखिए, ये कटिंग निकल के खुद ही टूट गया है। इसकी कटिंग हम लगा दें तो ये भी लग जाएगी। बेस्ट कटिंग प्लांट होने के साथ साथ परमानेंट भी होते हैं ये। छोटे छोटे पॉट के लिए भी फ्रेंडली है और काफ़ी शाइनिंग होती है इनकी पत्तियों में भी। स्प्रिंग टू टेल विंटर बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। और ये स्पाइडर प्लांट भी कमोनली हर घर में पाए जाते हैं। इनकी भी वेराइटी होती है, वेरीगेटेड वेराइटी है ये, और ये ग्रीन वेराइटी है। इस तरीके से स्पाइडर प्लांट भी बेहद ही हार्डी प्लांट होते हैं, जो एक बार गार्डन में आ जाए तो फिर ख़त्म नहीं होता। और ढेर सारे हम न्यू प्लांट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फर्न भी काफ़ी हार्डी प्लांट होते हैं और ये जल्दी ख़त्म नहीं होते दोस्तों। इनकी सारी वेराइटी शेड में रखेंगे और बहुत अच्छा ग्रो होते हैं। ये परमानेंट प्लांट होते हैं और बहुत कम केयर के साथ चलते हैं। थोड़ा सा जब हम इनकी सॉयल मिक्स तैयार करेंगे तो उसमें हमें गार्डन सॉयल के साथ साथ कंपोस्ट भी ऐड करना होता है और लाइट और न्यूट्रिएंट रिच सॉयल बनानी होती है। फिर ये प्लांट बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होते और बहुत अच्छे से जले होते हैं। नेक्स्ट ये प्लांट है सिंगोनियम, ये भी काफ़ी हार्डी प्लांट है। इनकी भी कई सारी स्पेसीज होती हैं और ये वेरिएटेड ग्रीन पिंक कलर का भी सिंगोनियम होता है। ये भी शेड लविंग होते हैं और एक तरह से वाइन्स और क्लाइंबर ही होते हैं ये। यहाँ पे कास्ट आयरन है फ्रेंड्स, ये भी बहुत अच्छे प्लांट हैं। आजकल तो इसमें न्यू लीफ भी आ रहा है, काफ़ी डार्क ग्रीन कलर में होता है और बहुत बढ़िया ये प्लांट है। छोटा सा ही पॉट हमने दिया है और देखिए कितना अच्छा ग्रो हो रहा है। ये मुझे आंटी ने गिफ्ट किया था, कास्ट आयरन, और ये इंडोर भी रख सकते हैं क्योंकि ये जीरो लाइट में भी सर्वाइव करते हैं। और आउटडोर बिल्कुल शेड में रखेंगे इनको। काफ़ी शाइन होती है इनके लीफ पे और परमानेंट होते हैं। इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं डिवीजन से। ये सोट फर्न है, बोस्टन फर्न की वैरायटी है ये। और बोस्टन फर्न, सोट फर्न सभी कह सकते हैं इसको। लुक वाइज देखिए कितना ये टॉल है। ये भी काफ़ी हार्डी और जिद्दी प्लांट होते हैं। ये नर्सरी में मिल जाएंगे और हमेशा बने रहेंगे, शेड के लिए ही सही होते हैं ये प्लांट। इनको भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनके डिवीजन से। ये वाइट वेलवेट प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत लुक होता है इनका। ये भी शेड में चलते हैं और परमानेंट होते हैं, काफ़ी हार्डी होते हैं। वैसे तो सकुलेंट फैमिली से आते हैं बट बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होते हैं और काफ़ी हार्डी प्लांट होते हैं ये। साथ ही दोस्तों यहाँ पे है हमारे पास ये स्ट्रिंग ऑफ बनाना, ये भी काफ़ी टफ प्लांट होते हैं। और देखिए कितना अच्छा ये ग्रो हो रहा है। शेड में रखे, धूप में रखे, इंडोर रखे, सभी में ये सर्वाइव करते हैं और एडजस्ट कर लेते हैं। इनकी कटिंग भी लग जाती है इस तरीके से, काफ़ी लंबी सी इनकी जो शेप जाने लगे तो इसको हम कट करके हटा सकते हैं। और ये कटिंग भी लग जाएगी फ्रेंड्स। इनफैक्ट मैंने इसकी कटिंग भी लगाई हुई है इसमें, छोटी से ही पॉट में। देखिए बहुत अच्छा ये ग्रो हो रहा है। तो ये सारे प्लांट जितने भी सस्ते या महंगे पड़े बट एक बार आने के बाद ये प्लांट ख़त्म नहीं होते, बने रहते हैं हमारे पास। और उसके बाद हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इससे अनेकों न्यू प्लांट बना सकते हैं और गिफ्ट वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक सही तरीका है, प्लांट उस तरीके का कलेक्शन रखें जो हमारे गार्डन में हमेशा ही बने रहें और एक बार आने के बाद फिर ख़त्म ना हो फ्रेंड्स। ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, ये भी बेहद ही हार्डी और जिद्दी प्लांट है। ये प्लांट भी जल्दी ख़त्म नहीं होते, बस इसको हमें शेड में रखना होता है और थोड़ा सा हमें न्यूट्रिएंट रिच सैंडी सॉइल प्रोवाइड करना होता है। फिर ये छोटे छोटे पॉट में भी कई सालों तक बने रहते हैं, ना रिपॉटिंग की झंझट होती है। ट्रेलिंग जेट प्लांट, ये भी बहुत बढ़िया जिद्दी और हार्डी प्लांट होते हैं और सालों साल हमारे गार्डन में ये बने रहते हैं।
ये तो ऑनलाइन भी मिल जाते हैं और नर्सरी में भी कई बार मिल जाते हैं। इसके लीव देखिए कितना खूबसूरत शेप में है और इनकी जो न्यू लीव आ रही है वो भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इस तरीके से हैंगिंग पॉट में भी इसे लगा सकते हैं। भी है ओथोना जो सॉकलेंट फैमिली से आते हैं और ये ट्रेलिंग सॉकलेंट है और फ्लैशी लीव होते हैं इसके और कटिंग भी लग जाती है और बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं। ये वाटरमेलन पेप्रोमिया है, ये भी बहुत ही हार्डी और परमानेंट प्लांट है। इनकी कटिंग भी लग जाती है, इंडोर आउटडोर दोनों ही चलेंगे, शेड में रखते हैं इनको। और साथ में दोस्तों ये पेप्रोमिया भी बहुत बढ़िया हार्डी प्लांट है और काफ़ी टफ़ होते हैं ये प्लांट भी, जल्दी ख़त्म नहीं होते। इनको भी लेकिन शेड में ही रखना है। और साथ में देखें तो यहाँ पे है क्राइसेंथेमम, ये फ्लावरिंग प्लांट है और इनकी बहुत सारी वैरायटी सालों भर खिलती है, फ्लावरिंग करती है। ड्वार्फ क्राइसेंथेमम है ये और बहुत ही हार्डी होते हैं, टफ़ होते हैं। इनकी कटिंग लगा के भी हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये जो कैलेंचो है ये भी काफ़ी टफ़ प्लांट है, कैलेंचो की वैरायटी है बट इसे हम आमतौर पर पत्थर चट कहते हैं। और इसके फ्लावर भी बहुत अच्छे आते हैं और हेल्थ वाइज भी काफ़ी बढ़िया प्लांट है ये, हेल्थ वाइज ये काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं पत्थरचट। और इनके लीफ में भी प्रोपगेशन देखने को मिल जाती है और ये कैलेंचो भी बहुत ही हार्डी होता है। कैलेंचो की सारी वैरायटी तो नहीं बट ये वाली वैरायटी बहुत ही हार्डी है, परमानेंट है और ये भी कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। और फ्रेंड्स इसके अलावा भी इंग्लिश आईवी भी बहुत अच्छा हार्डी प्लांट होता है जिसमें से कई सारी स्पीसीज और वैरायटी होती है। अगर हमें प्लांट का नेचर और केयर पता हो तो हम प्लांट को बचा के रख सकते हैं सालों साल। और प्लांट भी काफ़ी फ्रेंडली होते हैं उस क्लाइमेट में जहाँ पे उनको कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, कंफर्टेबल इनको सॉयल और सब कुछ मिलता है। तो इस तरीके से प्लांट सारे ही हार्डी हो सकते हैं, थोड़ा सा हमें इनका नेचर और केयर जानना है। इंग्लिश आईवी है ये अलग अलग वैरायटी है। ये पेरीविंकल है, ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट है, टफ़ प्लांट होते हैं, इनको भी कटिंग से ग्रो किया जाता है। और ब्रोकन हार्ट प्लांट मैंने कटिंग से ये लगाया हुआ है, ये भी लग जाती है दोस्तों। ब्रोकन हार्ट भी बहुत ही हार्डी और टफ़ प्लांट होते हैं और वाटर सॉइल दोनों में ही ये बहुत अच्छे से चले होते हैं। मनी प्लांट भी बहुत ही हार्डी प्लांट है, जिद्दी प्लांट भी कह सकते हैं और वाइंस और क्लाइंबर होते हैं, जल्दी ख़त्म ही नहीं होते ये। और ये बास्केट प्लांट है, ये भी बने रहेंगे हमेशा, बोट लिली के प्लांट। फिलेडेंड्रोन भी बहुत ही हार्डी और परमानेंट प्लांट होते हैं, इंडोर आउटडोर दोनों के लिए ही बेस्ट होते हैं ये। सो फ्रेंड्स वैसे तो बहुत सारे प्लांट हैं आपको दिखाने को बट वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, सो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव यूज़फुल लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। फिर मिलती हूँ नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग।